अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी भांजी हुई है। और आज का व्लॉग यहीं पे स्टार्ट होता है क्योंकि लेट हो गई थोड़ी सी। फाइनली मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और ये अदरक लहसुन डाल दूँगी। जो कल सालन मैंने बनाया था उसी को मैं सांभरों में ऐड करूँगी क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा ही गोश्त लिया था। और उसमें आलू ऐड करूँगी और, क्योंकि आलू ख़त्म हो चुके हैं। ये है कल का सालन और इसमें है आलू ख़त्म, और आलू मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान। देखिए गोश्त कितना सारा है इसमें। ये देखें, ये मैंने कल का जो सालन था वो इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू और इसी में मैं चावल डालूँगी जी। ये सारे मसाले इसमें दोबारा से ऐड करूँगी। ये मैंने एक चमचा लाल मिर्च ले लिए, एक चमचा मैंने इसमें हल्दी ले ली है, ढाई चमचा नमक ले लिया है और एक चमचा पिसा धनिया ले लिया है। इसको भी ऐड कर दूँगी मैं इसमें, ठीक है। और ये मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा ऐड करा, ठीक है। टमाटर मैं इसलिए नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर कल मैंने काफ़ी डाले थे सालन में, तो इसलिए नहीं डालूंगी। अब मैं इसको ढक दूंगी पानी डाल के ताकि आलू थोड़े से गल जाए, ठीक है। और इसी में फिर मैं हम चावल ऐड करेंगे। ये मैं चावल अब ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से चावल डालिएगा, अपनी फैमिली के हिसाब से डालिएगा। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से डाला है और अब ये डन हो चुका है। मैं इसको स्लो फ्लेम में रख दूँगी, ठीक है जी। फाइनली मैंने ये देखें कितने ज़बरदस्त से आलू को, ये देखें कैसे आलू गल चुके हैं, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी और कड़ी पत्ता भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। और फिर मैं इसको दोबारा से, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह से, और थोड़ा सा दम पे लगा दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा दही रेडी हो चुका है। कितना यम्मी लग रहा है और मुझे लग रहा है चावल, भूख लग रही है। ये देखें यार, मैं कहती हूँ बिरयानी कैंसिल। बिरयानी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इतने मज़े के बने हैं ना ये। आप लोग भी बताइए कैसे लगे मेरे चावल। फाइनली जो आलू गोश्त का सालन था कल का, और उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं क्योंकि आज हो रहा था सर में दर्द और रात को वीडियो अपलोड कर रही थी। रात को मुझे बहुत सारे काम थे अपने चैनल के लिए करने, वो कर रही थी। और बच्चे भी तंग करते हैं, साथ साथ छोटे बेबीज़ हैं वो सो रहे होते हैं तो उनको देखना होता है, और वो कभी नहीं भी सो रहे होते हैं, रात जाग रहे होते हैं, तो उनकी वजह से मेरे सर में हो रहा था बहुत पेन। और काफ़ी देर हो गई तो मैंने आज जो है चावल इसमें ऐड कर दिए। गोश्त मैंने जानबूझ के कल ज़्यादा लिया था क्योंकि मैं दो वक्त का सालन बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे बेबीज़। और देखें आज मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। मुझे तो बिरयानी से ज़्यादा ये अच्छा लगता है, बहुत यमी, बहुत मज़े का होता है बिरयानी। पता नहीं कौन लोग इतने ज़्यादा शौक़ से खा रहे होते हैं। अपनी अपनी पसंद है, अपने अपना सबका स्टाइल है। और मैं हमेशा कहती हूँ आप अपनी फैमिली के हिसाब से चावल लीजिएगा, अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। और आज की वीडियो कैसे कि मैंने रायता ले लिया है, रायते में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और इसमें मैं भुना हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड करूँगी, ठीक है। और इसमें मैं आधा चमचा चाट मसाला भी ऐड करूँगी और मैं बीट कर लूँगी। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है। और ये वाले राइस के साथ ये वाला इतना मज़े का रायता लगता है बहुत। ये देखें फाइनली आज हमने की शॉपिंग और मोहम्मद अली की आ रही है आवाज़ें, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ क्या की। जी सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने कहा ये मैं अपने लिए हाईनेक ले लेती हूँ, ब्लू कलर की बड़ी ज़बरदस्ती हाईनेक है और मुझे बहुत अच्छी लगी, सो ब्यूटीफुल। देखें ये एक ट्राउज़र ये भी है, कितना ज़बरदस्त है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये भी मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मेरे पास सर्दियों के ट्राउज़र इतने थे नहीं, तो मैंने कहा अच्छा लगेगा। ब्लू कलर का ट्राउज़र है, ये भी बहुत प्यारा सा है, ये भी मेरा ट्राउज़र है। और ये मैंने लिया है अहमद बाबा के लिए क्योंकि अहमद बाबा के पास ट्राउज़र नहीं थे सर्दियों के इतने, तो ये पॉकेट बनी हुई, बड़ी क्यूट सी पॉकेट बनी हुई है। और ये मेरी हाईनेक है जो ज़बरदस्ती मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा अपनी,
अच्छी लग रही है। ठीक है, ये देख, ये भी मैंने अहमद बाबा के लिए लिया है, बहुत क्यूट सी टी शर्ट है। और अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरा जो चैनल है उसको भी लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी जो चैनल है उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जी। फाइनली रात हो चुकी है, दो कप चाय, एक मुस्तैन का और एक मेरा रेडी हो चुका है। और कल की रात बड़ी मुश्किल थी, बड़ा सर में दर्द हो रहा था, आज पूरा दिन भी मेरे सर में दर्द रहा है और शाम में ठीक हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। असल में रात जाग जाग के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। मोहम्मद अली भी बहुत तंग करते हैं और ज़ाहिर बात है वो भी लेट जागते हैं, अब टाइमिंग वगैरह चेंज हो रही है और हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, वीडियो अपलोड करनी होती है और बहुत सारे काम होते हैं हमें, तो इसलिए हम काफ़ी लेट हो जाते हैं, रात हो जाती है और फिर सुबह होने लगती है, फिर काफ़ी दिनों से ऐसे ही हो रहा है। तो नींदें पूरी नहीं हो रही बिल्कुल भी, सर फटा जा रहा था मेरा तो बहुत शदीद।